रासायनिक उर्वरकों का कृषि के क्षेत्र में अनियंत्रित इस्तेमाल खेती योग्य जमीनों के लिए धीमा जहर है। कृत्रिम उर्वरक शरीर और मिट्टी दोनों के लिए नुकसानदेह है। ऐसे में उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ भी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग ने ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन बढ़ा दिया है। कुशीनगर के बुद्ध पीजी कॉलेज में रिसर्च प्रोजेक्ट एग्रो पैनर्स और हाईटेक फार्मिंग में एनएफटी ऑपरेटिंग सिस्टम में पालक और सलाद पत्ता पौधे को स्थापित कर इसकी शुरुआत की गई। इसका प्रयोग 101 पोषक तत्व पोटेशियम नाइट्रेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट अन्य तत्वों का प्रयोग करते हुए पौधे को उगाया गया। इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता भट्ट ने बताया कि यह तकनीक पूर्वी उत्तर प्रदेश के वातावरण के लिए पूर्ण अनुकूलित है। बिना मौसम के भी हर फसल इस तकनीक से पैदा की जा सकती है। इस तकनीक को गांव और शहरों में प्रसारित करने की जरूरत है ताकि अन्नदाता इसका लाभ उठा सके। जिसमें हम जितनी नई तकनीक है फार्मर्स को खेती को लेकर के उनको जो है स्टडी करेंगे और फार्मर्स तक पहुंचाएंगे। विद इन दिस हमने एक सेटअप जो है अपने बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर में लगाया है, जिसको हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स सेटअप भी आप कहेंगे, जिसके तहत बिना मिट्टी की खेती, मतलब इसको सॉइललेस कल्चर के नाम से ही हम जानते हैं। ठीक है, मेन तो ये है कि ये सॉइललेस कल्चर है जिसमें बिना मिट्टी, बिना किसी खाद, बिना किसी वीडिसाइड, मतलब बिना कीटनाशक स्प्रे के हम इसमें खेती करेंगे। और ये प्योर ऑर्गेनिक है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। न्यूट्रिएंट इसको जो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट चाहिए हम एक ढक्कन दो ढक्कन नाप करके डालते हैं और ये बहुत कम समय में अच्छी ग्रोथ दिखाता है, कम स्पेस में। माइक्रो क्लाइमेट, मतलब कहने का मतलब कि इस पे क्लाइमेट का भी बहुत प्रभाव नहीं है, थोड़ी बहुत लाइट का एक रिक्वायरमेंट रहता है, उसके अलावा इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।